नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 300 से अधिक अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हजारीबाग में हुई है। ये सभी अभ्यर्थी बीपीएससी TRE3 के बताए जा रहे हैं। शिक्षा माफिया सेटर दलाल इनको हजारीबाग के किसी होटल में रखकर बीपीएससी TRE3 का क्वेश्चन आंसर रटवा रहे थे, ऐसी जानकारी मीडिया से आ रही है, ऐसी खबरें आ रही है मीडिया के द्वारा, और इन लोगों से अभी पूछताछ की जा रही है पुलिस के द्वारा। हम लगातार पिछले 7-8 साल से पेपर लीक और धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़ रहे हैं। बीपीएससी 67वीं का जो पेपर लीक हुआ उसको हमने ही उजागर किया, बीएसएससी पेपर लीक उजागर किया, और हम सरकार से लगातार ये मांग करते रहे हैं कि शिक्षा माफियाओं पे, दलालों पे, सेटरों पे, जो पेपर लीक और धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं, उन पे कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, 10 साल से अधिक की कानूनी सजा हो, उनकी सारी संपत्ति जब्त की जाए, अगर सरकारी नौकरी में है तो नौकरी से उसको बर्खास्त किया जाए, और करोड़ों रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया जाए। लेकिन बिहार सरकार अभी तक ऐसा कानून नहीं बनाई है। केंद्र सरकार ने कानून बनाया है हाल ही में, लेकिन बिहार सरकार अभी तक उस कानून को लागू नहीं की है और न ही ऐसा कोई कानून बना रही है। हम मांग कर रहे हैं बिहार सरकार से कि ऐसा कानून बनाइए, या तो केंद्र सरकार के कानून को ही लागू कर दीजिए। और जो अभ्यर्थी हैं, जो ऐसे मामलों में संलिप्त रहते हैं, जो धांधली सेटिंग कराना चाहते हैं या पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, सेटिंग में संलिप्त रहते हैं, वैसे अभ्यर्थी को भी आजीवन प्रतिबंधित कीजिए कि किसी भी परीक्षा में वो शामिल न हो सके। अगर वो नौकरी में कहीं पे है पहले से, तो उसको नौकरी से बर्खास्त कीजिए, और 10 साल से अधिक की सजा हो ऐसा कानून बनाइए, स्पीडी ट्रायल करके सजा दीजिए, सारी संपत्ति उसकी भी जब्त कीजिए, और स्पीडी ट्रायल करके सजा होनी चाहिए। जब तक ऐसा कठोर कानून नहीं बनेगा और उसको सख्ती से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह की घटना नहीं रुकेगी। मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले 6-7 सालों से ये बात मैं कह रहा हूं कि कठोर कानून बनाने और उसको निष्पक्षता के साथ और स्पीडी ट्रायल कर लागू करने की जरूरत है। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा, तब तक पेपर लीक और धांधली सेटिंग रुकने वाली बात नहीं है। हमने 66वीं बीपीएससी के समय भी कहा था कि मेंस के एग्जाम में इलाहाबाद ले जाकर अभ्यर्थियों को कॉपी लिखवाया गया, ऐसी बातें अभ्यर्थियों के द्वारा बताई गई थी उस समय, और हमने कहा भी था, और बाद में जांच में भी आया कि बीपीएससी से मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर लिखवाई जाती है, वहां से बाहर लगवाया जाता है। हम अभी भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि शिक्षा माफियाओं पे कठोर कानूनी कार्रवाई कीजिए। और आज जितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, वो तो गिरफ्तारी हुई है, बाकी तो और भी हजारों लोग होंगे, हजारों अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो इस तरह का काम में संलिप्त होंगे, जिनकी गिरफ्तारी ही नहीं हुई है, चाहे वो पटना जिला में हो, दरभंगा में हो, या अन्य जिलों में हो। बिहार के लगभग हर जिले से इस तरह की खबरें 2 दिन से आ रही थी कि शिक्षा माफिया दलाल सेटर जो है 10 से 12 लाख में क्वेश्चन उपलब्ध कराने की बात कह रहे हैं, और मोबाइल जब्त करके किसी होटल में, कहीं लॉज में, कहीं सुरक्षित जगह वो लोग रखने जा रहे हैं, और वहां पर क्वेश्चन आंसर रटवाएंगे। 2 दिन पहले से ये चर्चा थी, कल हमने वीडियो में भी जिक्र किया था और हमने सबको सूचित भी किया था, और आज जब गिरफ्तारी हुई है तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, बिहार सरकार से। हम पिछले 8-10 साल से लड़ रहे हैं पेपर लीक धांधली सेटिंग के खिलाफ। इस बीच सरकारें बदलती रही, गठबंधन बदलते रहा, सरकार में सभी पार्टी लगभग आते जाते रहे, चाहे किसी भी पार्टी, किसी भी गठबंधन की सरकार रही हो, हम पेपर लीक धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़ते रहे हैं, निष्पक्षता के साथ लड़ते रहे हैं। आज हम फिर सरकार से मांग कर रहे हैं कि शिक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कीजिए, और इन लोगों को जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, उस संरक्षण को ध्वस्त कीजिए, और राजनीतिक नेताओं को भी, पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को भी बाहर लाइए, सामने लाइए, उजागर कीजिए। लिपापोती नहीं होनी चाहिए ऐसे मामलों की, क्योंकि पेपर लीक और धांधली सेटिंग हजारों लाखों युवाओं के कैरियर का मर्डर होता है, उनकी अंतरात्मा मनमाहत होती है, उनके आत्मा पर बुलडोजर चलने जैसा ये काम होता है। तो बिहार के लाखों युवाओं के साथ ये अन्याय कब तक होता रहेगा? कब तक बिहार के मेधावी, प्रतिभावान स्टूडेंट्स के साथ इस तरह से अत्याचार, अन्याय और शोषण होता रहेगा? कब तक बिहार के लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा? कब तक हम लोग चुप बर्दाश्त करते रहें? कई बार हम लोग आंदोलन कर चुके हैं, सरकार हमें मजबूर ना करे बड़ा आंदोलन करने के लिए। हम सरकार से यह विनती कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि शिक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कीजिए। और आज जितने लोग पकड़े गए हैं हजारीबाग, उन सबसे निष्पक्षता के साथ पूछताछ हो, और अगर उनके पास जो क्वेश्चन है, जो आंसर है, आज की परीक्षा के प्रश्न है, आंसर है, तो आज की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। क्योंकि जब प्रश्न पत्र ही लीक है, पेपर ही लीक है, तो परीक्षा का कोई मतलब नहीं रहता है, उसका कोई मतलब ही नहीं। इसलिए इसकी निष्पक्षता के साथ जांच हो। अगर इन अभ्यर्थियों के पास आज की परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं, आंसर है, वो मैच कर रहे हैं आज की परीक्षा के पूछे गए प्रश्नों से,
और उत्तर से तो आज की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। और अगर आज की परीक्षा के पूछे गए प्रश्नों से और उत्तर से मैच नहीं कर रहे, नहीं मिल रहा है, तो भी इन पे कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन लोगों ने धांधली सेटिंग करने का प्रयास तो किया ही है, पेपर लीक तो किया ही है, इतने लोगों को क्वेश्चन आंसर रटवा रहे हैं तो धांधली सेटिंग ये लोग कर रहे हैं, ये तो कदाचार में संलिप्त ही है। तो इन सभी लोगों पे, अभ्यर्थियों पर भी और जो इसमें दलाल है, सेटर है, शिक्षा माफिया, उन सब पे भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और आगे किसी परीक्षा में इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए एक कठोर कानून लाया जाए और उसको सख्ती के साथ लागू किया जाए, नहीं तो आगे की परीक्षाओं में भी इस तरह से कदाचार और पेपर लीक होते रहेगा। इससे पहले भी बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, पिछले 1.5 साल से तो कोई पेपर लीक नहीं हो रहा था 67वीं के बाद, लेकिन फिर आज इस तरह की बात सामने आ रही है। बीएसएससी का पेपर लीक, सिपाही बहाली का पेपर लीक, फूड कॉरपोरेशन का पेपर लीक, अमीन बहाली, एलआरसी का पेपर लीक, सबका तो पेपर लीक हो ही रहा है। इसलिए हम बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि एक सख्त कानून बनाइए और निष्पक्षता के साथ उस कानून को लागू कीजिए, नहीं तो इस तरह की घटना नहीं रुकेगी। बिहार के लाखों स्टूडेंट्स के साथ इस तरह से अत्याचार, अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सरकार जल्दी कठोर कानून नहीं लागू करती है, नहीं बनाती है कानून और उसे नहीं लागू करती, तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन बिहार में करेंगे।